हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कार्डियो किचन में। मेरा नाम है मनीषा। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई रेसिपी, पोहे के पराठे। ये बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आलू गोभी मेथी के पराठे तो आपने बहुत बनाए होंगे और खाए होंगे, पर इस तरह से अगर आप पोहे के पराठे बनाएंगे तो सबको ये घर में आपके बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल क्लिक करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। तो अब चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए चलते हैं किचन की तरफ और पराठे बनाना शुरू करते हैं। पोहे के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 कप पोहा। इसको हम सबसे पहले अच्छे से धोकर वॉश करेंगे। इसको इस तरह से मैंने एक बाउल में डाल लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसको हमें अच्छे से वॉश करना है। इस तरह से हाथों से रगड़ते हुए हमें वॉश करना है लगभग 2-3 बार। ये देखिए, इसको 3 बार मैंने धोकर क्लीन कर लिया है। अब हाथों में मैं लूंगी 1 टेबल स्पून पानी और इसके चारों तरफ डालूंगी। इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और 10 मिनट के लिए एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये एब्जॉर्ब होता है हम आगे की प्रोसेस कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 आलू। ये मैंने उबले हुए आलू लिए हैं और आलू पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब इसको हम मैशर से मैश करेंगे। इस तरह से इसको हमें अच्छे से मैश करना है। आलू बिल्कुल ठंडा लेना है क्योंकि गर्म आलू में पानी होता है। ये जो साइड में गिरता जाएगा उसको इस तरह से उठाकर हम वापस से कद्दूकस करते जाएंगे। ये देखिए, मैं बहुत ही अच्छे से इसको कद्दूकस कर रही हूँ। ये आलू अच्छे से कद्दूकस हो गए हैं। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक मिक्सिंग बाउल। इस मिक्सिंग बाउल में मैं डालूंगी सबसे पहले आलू जो अभी हमने कद्दूकस किए थे। इसी के साथ इसमें डालेंगे पोहा जिसको अभी हमने गलाया था। अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्ची, क्योंकि मैंने 2 हरी मिर्ची ली है और इसको बारीक बारीक कट किया है। इसी के साथ इसमें डालूंगी कसूरी मेथी 1/2 टीस्पून। इसको हाथों पर लेकर इस तरह से क्रश करते हुए डालेंगे, इससे खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आएगा। इसी के साथ इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, ये मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, और साथ में डालेंगे चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून। अगर चिली फ्लेक्स ना हो तो आप नॉर्मल लाल मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी को अब हम हाथों से अच्छे से मथेंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। इसको हमें इस तरह से लगातार मथना है, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। कि देखिए, बहुत ही अच्छे से मथ गया है, डो की फॉर्म में ये आने लग गया है। तो अब इसमें मैं डालूंगी आटा। ये मैंने गेहूं का आटा लिया है लगभग 1/2 कप। आटे को भी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैं इसको मथती जा रही हूँ। अब ये थोड़ा सा ड्राई होने लग गया है तो अब इसमें मैं डालूंगी दूध। ये मैं पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसकी जगह दूध का यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और डो के जैसा इसको तैयार करेंगे। ये देखिए, डो की फॉर्म में आ गया है। इसमें 1/4 कप से भी कम दूध लगा है। अब मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसके चारों तरफ लगाऊंगी और लगभग इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, हम डो को चेक कर लेते हैं। डो को हमें अच्छे से मथना है जैसे हम रोटी के लिए आटे को सॉफ्ट करते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसको रखेंगे साइड में और इसके पराठे बनाएंगे। पराठे बनाने के लिए इस तरह के रोलिंग पैन का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा पोर्शन, जिस साइज़ के आपको पराठे बनाने हैं उसी साइज़ का हमको पेड़ा लेना है। इस तरह से मैंने एक पेड़ा बना लिया है। अब प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा आटा डस्ट करूंगी और इसके चारों तरफ लगाऊंगी। अब इसको हम पराठे के लिए बेल लेंगे। इसको हमें थोड़ा सा मोटा ही बेलना है। जब तक हम पराठा बेल रहे हैं साथ साथ तवा भी हम गर्म करने रखेंगे। ये देखिए, इसको मैंने बेल लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ और पराठा बना लेते हैं। तवा गर्म हो गया है, अब इसके ऊपर डालेंगे हम पराठा जो अभी हमने बेला था।
इसको एक साइड से थोड़ा सा सिकने देंगे, जब ये सिक जाएगा तब हम इसको टर्न करेंगे। जब पराठा सिकने लगता है तो इस तरह से थोड़े से बबल आने लगते हैं। अब हम इसको टर्न कर लेते हैं, ये देखिए थोड़ा थोड़ा सिक गया है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी सिकने देंगे, थोड़ा सा इस तरह से इसको मूव करेंगे, दूसरी साइड से भी सिक गया है। तो अब इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ऑयल या घी किसी का भी आप यूज़ कर सकते हैं। चारों तरफ हमें अच्छे से ऑयल ग्रीस करना है और इसको हम टर्न करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए अच्छे से सेकेंगे। अब दूसरी साइड से भी हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे और इसको हम फिर से टर्न कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा सिक गया है ये। इसी तरह से उलटते पलटते दोनों साइड से हमें अच्छे से सेकना है। ये देखिए दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से सिक गया है, बहुत ही अच्छा इसमें कलर आया है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। बाकी बचे हुए पराठे भी हम इसी तरह बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए सभी पराठे मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, ये बहुत ही अच्छा और खस्ता बने हैं। इसको आप दही के साथ, चटनी के साथ या चाय के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये देखिए कितने अच्छे ये बने हैं। इसी के साथ पोहे के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपने व्यू ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।